लेकिन मेहरारू नहीं ले आऊं अच्छा आइए आ रहे गेट खुला कर आ रहे भिखारिन की सुन ला पुकार हो दई दया कचुकिया की सुन ला पुकार हो दई दया कचुकिया देवी जी ये चंडेल जमींदार की हवेली है, क्यों आई हो, क्या बात है, मैं जानना चाहता हूँ। बाबूजी आपका चुमती हूँ कदम नहीं, इस अभागिन पे थोड़ी दया कीजिए, भूख व प्यास से बुरा लगता है। ही अपने देवी करो आपकी थोड़ी खुशियों से भर दूंगा मैं, ऐसे बेटे के संग जाके अपने करो काफी थरमाल देवी तुम्हें दूंगा मैं, ऐसे बेटे के संग देवी जी ये तुम्हारा बेटा है। हाँ बाबूजी। इसका क्या नाम है, भूरा? इसका नाम भूरा है। बेटा तुम बहुत भूखे हो, ठीक है चिंता मत करो। तो बेटा भूरा अरे नहीं दिल में चिंता करो बेटा भूरा नहीं थाली मंगाता हूँ मैं, बैठ जाओ जमी पर ना देरी करो, अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराता हूँ मैं, चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा। क्यों रे भंडरिया इधर आजा, देख इन देवी जी का बेटा बहुत भूखा है, ये जाकर भोजन लाकर इसे भर पेट खिला दे। लंबरदार ही आओ, ये बताओ कि थरिया मलाई की पतरी में ये हमें सूदे संगड़िया दिखा था, पतरी में ले आई आए, देर मत कर भैया, लाए तो है यार, बताता अब तो एकदम बढ़िया खाना ला दे। देव जी मेरा नौकर तुम्हारे बेटे के लिए भोजन लाने गया है, अभी भोजन आएगा, तुम्हारा बेटा भर पेट भोजन करेगा। लेकिन देवी जी अफसोस इस बात की है कि मेरी तिजोरी मेरे दूसरे वाले कमरे के अंदर है, तुम मेरे साथ चलो, मैं वहीं पर तुम्हें इतना धन दूंगा कि कभी तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में तुम्हारा बेटा भूरा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। धन्य बाबू। नौकर भंडारी खाना लेकर आया। अरे बैठ जाओ बेटा, चिंता मत करो, मनाई नैन मांगिन के लाई था, देर मत कर बेटा बहुत भूखा है।
पीछे वाले कमरे के ले जाए जहाँ तिजोरी है दे दियो को। आइए देवी जी मेरे साथ आइए। ओ भैया जा पानी ले आओ दोनों जने। पानी ले आओ पानी दोनों जने बिना ले खा आलू का करियठा है वैसे हम हो भूखा ना जवान बैठ के खा बैठ के बैठ जाए तो ऐसा पानी ले आए। हाँ भैया पानी ले आओ थोड़ा। या भगवान गरीबी अजब चीज है इंसान को ना जाने कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। आज इस रोटी के टुकड़े ने मेरी माँ से बिखरवा लिया है। माँ भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। हाँ बाबूजी। देवी जी धन देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या पूछना चाहते हो बाबूजी? सुनो तो शक्ल से अरे तुम लगती भिखारन नहीं शक्ल आती नजर भीख का मांगना। देवी जी पाप है क्या नहीं आपका कोई है हम पर इस दुनिया में सहारा देने वाला क्या तुम्हारा कोई नहीं है। साल बारह हुए हैं सुनो बाबूजी रोग कैंसर का तापत मेरे मर गए मांगती भीख तब से इधर में उधर यानी तुम्हारी पति का स्वर्गवास होता है। मांगती भीख तब से इधर में उधर पढ़ कर मेरे स्वामी सफर कर गए। मांगती भीख तब से इधर में उधर तब तो देवी जी तुम्हारे साथ भगवान ने बहुत बड़ी ना इंसाफी किया है। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था इस जमाने में तुम्हें विधवा बना डाला। लेकिन देवी जी जिसके तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। धन देने से पहले मैं तुमसे तीसरी बात करना चाहता हूं देवी उसे ध्यान पूर्वक सुनना। तो बाद में काफी धनवान अर दूंगा तुम्हें बाद में काफी धनवान अर दूंगा तुम्हें रस जमानी का प्यारी चखा दीजिए गोरे गालों पर ये अर दिल दीवाना हुआ हंस के सीने से मुझको